हेलो इट्स मी डॉक्टर ओसामा वेद। आज का हमारा टॉपिक है रेबीज। अब रेबीज होता क्या है? रेबीज हम मुख्तलिफ अल्फाज के उसके नाम होते हैं। मिसाल के तौर पर हम पंजाबी में उसे कहते हैं कि वो उसे हल्का हो गया जानवर को, मेनली उर्दू में उसको कहते हैं पागलपन। जानवर को पागलपन हो जाना उसे रेबीज कहते हैं। अब रेबीज है क्या चीज? अगर हम इसे साइंटिफिकली देखें तो रेबीज असल में एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो डैमेज करता है, जिसकी वजह से जानवर जो है ना वो अपना कंट्रोल खो देता है। अब सवाल ये उठता है, क्या रेबीज सिर्फ और सिर्फ डॉग में ही नजर आता है? जी बिल्कुल नहीं। रेबीज हर वार्म ब्लडेड एनिमल को हो सकता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, कैट्स, बेफलोज, कैटल, सब में ये देखा जा सकता है। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत खतरनाक और बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। इसमें सबसे जो मेन चीज ये है कि ये रेबीज जैसे खून में एंटर करती है, इसका वायरस ये सबसे पहले आपके खून से होता हुआ आपके ब्रेन में जाता है, जहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन और जो स्वेलिंग है वो काज करता है। ये बीमारी एक इंतहाई खतरनाक बीमारियों में से एक है। जो आखिरी स्टेज है वो डेथ ही, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, और ज्यादातर कॉमन है वो डॉग्स में। डॉग्स में ये सलाइवा के थ्रू आगे जो है ना स्प्रेड करती है। जैसे डॉग में ये रेबीज का वायरस आया, उसके मुंह में, उसके थूक में वो वायरस आ गया, जैसे उसने किसी और को काटा उसने आगे इस चीज को स्प्रेड कर। अब यहाँ पर आप सवाल करेंगे कि अच्छा रेबीज हो गया, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये डॉग जो हमारे साथ हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, कहीं इनमें से किसी को रेबीज तो नहीं हुआ? चंद सिम्टम्स, चंद अलामत मैं आपको बताता हूँ, जिसे आप लाइन के साथ देखते जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आप जिसको रेबीज का शिकार तो नहीं हो जाए। सबसे पहले रेबीज, जैसे ही किसी डॉग में ये रेबीज वायरस आ जाता है और वो सबसे पहले अपना जो है ना उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो बिहेवियर ऐसे चेंज होता है कि वो अग्रेसिव जानवर बन जाता है। अब अग्रेसिव तो कोई भी हो सकता है, डिप्रेशन अगर डॉग में आ जाए तो वो भी अग्रेसिव हो सकता है, रेबीज तो नहीं कह सकते। लेकिन जैसे फिर अगली अलामत ये ज़ाहिर होती है कि डॉग जो है वो अपना लड़खड़ाना स्टार्ट करता है, मतलब उसके मसल पर उसकी पावर नहीं रहती, ग्रिप नहीं रहती, और वो ऐसे अगर वो चलते हुए भी लड़खड़ाता है, कभी उसके मसल्स वीक हो जाते हैं, ये काम शुरू हो जाता है। अब ये तो और भी हो सकता है कि अगर जानवर कमजोर है तो उसमें भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं, वो अग्रेसिव भी हो सकता है अगर वो डरा हुआ हो। लेकिन उसके साथ ही अगला सिम्टम्स जो है ये रेबीज की बहुत ज्यादा करीब ले जाता है, वो है फोमी स्लाइवा, मतलब थूक जो है वो एक फोम की तरह मुंह से उसके निकल रहा होता है, जो कि लेकिन इससे भी हम रेबीज का नहीं लगा सकते कि भाई इसको रेबीज होगा। बहुत सारे जानवर में थूक उसके मुंह के इन्फेक्शन की वजह से भी हो रहा होता है। अगली सिम्टम्स जो कि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रेबीज के जानवर के लिए वो ये कि वो जानवर लाइट और साउंड से इंतहाई सेंसिटिव हो जाता है। मतलब अगर आप उसके सामने लाइट करें या साउंड करें तो वो अग्रेसिव, वो शो करना स्टार्ट हो जाता है कि वो उसे डर रहा है। और ये अगर ये चारों सिम्टम उसमें नजर आ रही है तो इसका मतलब उसमें रेबीज स्टार्ट हो गई। उसके बाद उसको वो जब चीज निकलेगा तो उसके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा चीज को निकालना, क्योंकि वो उसके दिमाग से वो चीज उसके दिमाग में उसमें सोजन हो चुकी होती है और उसके लिए ये चीजें करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आखिरकार उसकी जो पैरालिसिस स्टार्ट हो जाएगा और पैरालिसिस में वो उसकी पिछली टांगे बिल्कुल काम करना बंद कर देंगी, वो अग्रेसिव होगा, उसके बाद उसमें फोमी स्लाइवा होगा, सेकेंडली उसके बाद वो लड़खड़ाएगा उसकी वजह से, उसके बाद वो साउंड लाइट से डरेगा, उसके बाद वो उसकी आखिरी टांगे जो है वो काम करना बंद कर देगी और ये आखिरकार वो डेथ की तरफ चला जाएगा। लेकिन डेथ से पहले वो जितने जानवर को अटैक करेगा उनमें वो ये जानवर जो इन्फेक्शन फैलाएगा। मैं एक बड़ी सख्त बात करने जा रहा हूँ, ये बात शायद आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये डॉक्टर साहब आपने ये कैसी बात की, लेकिन मैं इस चीज को ये बात इसलिए करूंगा क्योंकि ये जरूरी है। हम अक्सर लोग कहते हैं कि यार उस जानवर को रेबीज हो गया, उसका इलाज कोई नहीं। अगर कोई जानवर जिसमें सिम्टम्स आ गए और उसको पता लगे उसका कोई इलाज नहीं है, वो आखिर में उसकी जो है ना लास्ट उसमें डेथ ही होती है। और अगर वो जानवर अगर हम उसे खुद मार दें तो ये एक जुल्म नहीं होगा बल्कि उसके लिए एक आसानी होगी। अगर एक जानवर को हम हेड शोल्डर लेके उसको मार देते हैं, उसको मार देते हैं, एक तो वो खुद तकलीफ से निकल जाएगा क्योंकि उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसकी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और दूसरा वो जो दूसरों जानवर को इन्फेक्ट कर रहा था उससे उसकी बचत हो जाए। अब ट्रीटमेंट आपने ये सुन लिया कि इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं। फिर आप कहेंगे कि अच्छा तो ये वैक्सीनेशन क्या ये एम लगाते जा रहे हैं कि हमें कहते हैं कि अगर आपको कुत्ते ने काट लिया तो एंटी रेबीज वैक्सीन करवाएं? नहीं, ये भी एक चीज है, लेकिन ये सिम्टम्स बाहर होने से पहले की चीज है। जब तक अगर किसी ने आपको किसी रेबीज जानवर ने आपको काट लिया और आपको भी सिम्टम्स बाहर नहीं हुए, आपको शक है कि भाई इसको रेबीज हो सकता था, तो ये वैक्सीन ऐसे डेवलप की होती हैं कि आपके खून में शामिल होती हैं और ये कोशिश करती हैं कि जो रेबीज के वायरस है उसको किल कर दिया जाए, और ये इसीलिए बहुत जरूरी है। ये आप इंसान खुद भी लगा सकते हैं, मतलब इंसानों को भी लग सकती है, जानवर को भी आप लगा सकते हैं। अब बात आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम बचे कैसे और अपने जानवर को, अपने डॉग को, अपनी कैट को रेबीज से बचाएं कैसे। तो सबसे पहले अगर आप डॉग लवर है, मतलब आपके डॉग ऑनर है, तो उसका एक शेड्यूल्ड रेबीज वैक्सीनेशन होती है, वो आपको करवानी ही करवानी, चाहे किसी भी हालत में आप करवाएं। उसके बाद बाहर ले जाते हुए अपने डॉग को कोशिश करें कि ये जो स्ट्रे डॉग है इससे दूर, वो डॉग ज्यादा रेबीज के करीब होते हैं, इन्फेक्शन का खतरा उनसे ज्यादा होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि उनसे दूर है। ये एक प्रिकॉशन मेजर है आपके लिए, प्रिवेंशन है। उसके साथ साथ अगर आपके पास वाइल्ड एनिमल है, शेर, चीता, कोई भी बड़ी कैट आपके पास मौजूद है और उनको ये रेबीज हो जाए, एक तो पहले वाइल्ड है, ऊपर से ये मसला हो गया, तो ये तो और ही बड़ा मसला बन जाएगा। आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ एक पेट ऑनर के लिए नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए है जो कि इसका शिकार हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आप इसको आगे से आगे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि ये चीज ऐसी हो सकती है। ये एक बहुत जानलेवा और इससे बचना ही सबसे बेहतरीन हल है। अगर आपने आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाते रहें। थैंक यू वेरी मच।